क्या आपका लैपटॉप नया है? क्यों बोले तो आपका लैपटॉप में या रैम कम है या हार्ड ड्राइव है या इसमें एसएसडी नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डेल इंस्पिरॉन 15 5584 का। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लैपटॉप है, इसमें 8GB रैम 1TB कंपनी से आया है, हार्ड ड्राइव इसमें। तो आज इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं 128GB का M.2 SSD इसमें इंस्टॉल करेंगे। ये कोर i5 8 जनरेशन का ये लैपटॉप है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आप लैपटॉप घर बैठे कैसा ओपन कर सकते हैं, कैसा इसको आप SSD इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसा उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो आज इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ जाएंगे लैपटॉप के बैक साइड में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रूज रहेंगे, तो वन बाय वन करके हम इसके स्क्रूज ओपन कर लेंगे। फर्स्ट जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पूरे इसके स्क्रूज ओपन कर दिए हैं कि दो स्क्रू मिसिंग है इसमें। तो अभी हम नेक्स्ट टाइम इसमें स्क्रूज भी लगा देंगे। तो आपको यहाँ से बेसिकली थोड़ा लैपटॉप को मूवमेंट देते हैं, आपको उसको ओपन करना रहेगा, स्मूथली ओपन करना रहेगा। जल्दबाजी कभी मत करिए, अगर जल्दबाजी करने के आपका पैनल ही आपका ही डैमेज हो जाएगा उसके अंदर। स्मूथली ओपन करिए। अब लैपटॉप जब भी ओपन करिए पैनल को पकड़ के रखिएगा, क्योंकि नीचे गिर गया बोले तो प्रॉब्लम हो जाता है, स्क्रीन खो जाता है आपका वेट की वजह से। अभी हम पैनल को डाउन कर देंगे नीचे। अभी मैं इसको थोड़ा मूवमेंट देते हुए ओपन करूंगा। ये हमारा ओपन हो गया है बैक कवर। अभी बैक कवर को रख देंगे बाजू। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो है तो यहाँ पर इसका M.2 का प्लॉट है। यहाँ पर हम M.2 SSD इसमें इंस्टॉल करेंगे। छोटा सा कनेक्टर है, यहाँ पर 8GB रैम है, 8GB रैम और प्लस SSD पे हम इसमें इंस्टॉल करें बस, इससे परफॉर्मेंस पूरा सुपर हो जाएगा। ये रहा हमारा 256GB का SSD, RFX कंपनी का है ये। इसमें आप WD Kingston कौन सा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। टाटा SSD है ये। अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्रू रहेगा, वो स्क्रू को आप निकालना रहेगा। अभी मैं इसका स्क्रू निकाल दिया हूँ, उसके बाद अभी हम इसे फिक्स करेंगे SSD। देखिए अब यहाँ पर लग गया है इसका SSD। अभी हम वापस से इसको फिक्स करेंगे नीचे करके, उसके बाद वापस से इसका स्क्रू लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रॉपर फिक्स हो गया, अभी निकलेगा नहीं जब तक इसका स्क्रू नहीं निकालेंगे। ये बहुत ईजी स्टेप है, आप घर बैठ के आराम से कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप बैटरी कनेक्शन कंपलसरी इसका निकाल दीजिए, इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। मैंने तो इसका कर दिया, इसमें डस्ट भी कुछ भी नहीं है क्लीन करने के लिए। अगर आपके लैपटॉप में डस्ट है आप लैपटॉप भी क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको और एक एडिशनल रैम भी लगाने का है, आप यहाँ पर स्लॉट है आप रैम भी लगा सकते हैं, बट हमें इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों बोले तो इसमें 8GB रैम है, आपको यहाँ ऑप्शन है आप यूज कर सकते हैं ऑप्शन, अगर आपको और अपग्रेड करने का फास्ट स्पीड हमें। बट क्या है बोले तो इसमें 8GB रैम था, हार्ड ड्राइव थी इसके अंदर तो स्लो हो रहा था, तो हमने इसमें जो है तो 256GB का SSD इंस्टॉल कर दिया। इसमें परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 90% परफॉर्मेंस बूस्ट अप हो जाएगा हमें। अगर आपको और ज्यादा रिक्वायरमेंट है स्पीड का होता है रैम भी यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं। ये हमारा पूरा प्रोसेस इसमें इसको पैक कर देंगे। अभी इसको पैक करे बाद से हम इसको लॉक करना रहेगा आपको यहाँ पर से। ये पूरा आप जब लॉक करेंगे एक बार चेक कर लेना रहेगा साइड से कि ताकि आपको पूरा फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद हम इसके स्क्रू लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें इंस्टॉल किया है 256GB का M.2 टाटा SSD इसमें इंस्टॉल किया। अभी इसमें हम इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। आपको आई बटन पे सॉफ्टवेयर कैसा इंस्टॉल करते हैं उसका भी लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसका प्रोडक्ट भी जो है ऑनलाइन जाके परचेस कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रैम का SSD का आपको जो होना है परफेक्टली आपको वहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो जरूर देखिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं।